हैड का मतलब होता है था। हैड का मतलब क्या होता है? ठीक है, हैड का मतलब क्या होता है? ठीक है, या तो लड़की यदि रहेगा तो क्या लिखेगा? थी। क्या लिखेगा? थी। तो हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होगा। हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ, जितना सब्जेक्ट हो, जैसे मोहन है, सोहन है, कन्हैया है, रेहान है, सावन है, बादल है, बादल है, विशाल है, राघव है, जितना है सभी सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? क्या होगा? हैड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हैड, यानी सभी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है। ठीक, हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। यूज ऑफ हैड का मतलब हुआ हैड का प्रयोग। इसका हिंदी क्या हो गया? हैड का प्रयोग, हैड का प्रयोग। ठीक है, हैड का प्रयोग यानी यूज ऑफ हैड। हैड का प्रयोग कहाँ होगा? सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है। जितना भी सब्जेक्ट रहेगा वो सब के साथ क्या होगा? हैड का प्रयोग होगा। जैसे कि मेरे पास क्या? कुत्ता है। मेरे पास कुत्ता है। मेरे का मतलब कौन चीज हो गया? आई। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हैड। यहाँ था ना, मेरे पास कुत्ता था। तो आई हैड कौन चीज? डॉग। आई हैड डॉग। ठीक, तुम्हारे पास एक झोला था। क्या हो जाएगा? तुम्हारे का मतलब यू हैड था दिया, यू हैड आई एक दिया था, यू हैड अ बैग। कौन से बैग? झोला। तो यूज ऑफ हैड, हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आई हैड डॉग, यू हैड अ बैग ना, मेरे पास कुत्ता था तो आई हैड अ डॉग, तुम्हारे पास एक झोला था तो यू हैड अ बैग। समझ गया? उस प्रकार से तुम्हारा ट्रांसलेशन में दिया गया होगा बनाने के लिए। बात समझा? कभी बोल रहा है तुम, बोल।